हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम UP SSJEE के प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। यह पार्ट फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज, ऑप्शन ए है 70 kg, बी है 50 kg, सी है 60 kg, डी है 65 kg। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50 kg। वन बैग ऑफ सीमेंट जो होता है वह 50 kg का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस एंगल्स मशीन इज यूज टू टेस्ट, ऑप्शन ए है क्रशिंग स्ट्रेंथ, बी है इम्पैक्ट वैल्यू, सी है एब्रेशन रेजिस्टेंस, डी है वाटर एब्जॉर्प्शन। इसका करेक्ट आंसर है एब्रेशन रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी। लॉस एंगल्स मशीन का यूज जो है वह एब्रेशन रेजिस्टेंस यानी कि अपघर्षण प्रतिरोध को जांचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनसोल्यूबल रेसिड्यू इन सीमेंट शुड बी, ऑप्शन ए है बिटवीन 20 to 25%, बी है लेस देन 20%, सी है 10 to 20%, डी है लेस देन 1.5%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लेस देन 1.5%। सीमेंट में जो घुलनशील अवशेष होता है वह 1.5% से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन, ऑप्शन ए है 10, बी है 15, सी है 20, डी है 25। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20। IS कोड के अनुसार जो है ईंटों की लंबाई जांचने के लिए जो है 20 ब्रिक की ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनालिसिस ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज टेकन एट द रेट ऑफ, ऑप्शन ए है 1%, बी है 5%, सी है 10%, डी है 20%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10%। रेट एनालिसिस में जो है ठेकेदार का प्रॉफिट जो है वह लगभग 10% लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूजली, ऑप्शन ए है 6 mm, बी है 12 mm, सी है 25 mm, डी है 40 mm। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 mm। प्लास्टिंग का जो थिकनेस लिया जाता है वह सामान्यतः 12 mm लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो डिडक्शन इज मेड व्हाइल प्लास्टरिंग मेजरमेंट इन द केस ऑफ ए स्मॉल ओपनिंग अप टू, ऑप्शन ए है 0.1 square meter, बी है 0.3 square meter, सी है 0.5 square meter, डी है 0.7 square meter। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.5 square meter। 0.5 square meter तक के किसी छिद्रों या सुराख या खुली जगह है तो प्लास्टिंग के मेजरमेंट करते समय उसकी कटौती नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग फ्लोड टू प्रिवेंट एकुमुलेशन ऑफ एरर्स, ऑप्शन ए है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, बी है टू वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। यह जो है सर्वेइंग का प्रिंसिपल है कि अगर हम कोई भी सर्वे जो है अगर होल टू पार्ट करते हैं तो उसमें जो है इरर होने की संभावना कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द लेंथ ऑफ वन लिंक इन 30 मीटर चेन इज, ऑप्शन ए है 30 cm, बी है 20 cm, सी है 40 cm, डी है 10 cm। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 cm। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो है वन लिंक जो होता है वह 20 cm का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रिड्यूस बियरिंग ऑफ लाइन इज नॉट 87 डिग्री वेस्ट, इट्स होल सर्किंग बियरिंग विल बी, तो यहाँ पे जो है नॉट 87 डिग्री वेस्ट रिड्यूस बियरिंग दिया हुआ है
तो ये एंगल 87 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा जा रहा होल सर्किंग बियरिंग, ये एंगल, तो ये एंगल जो होगा वो 360 माइनस 87 डिग्री होना चाहिए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 273 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए प्लेन टेबल सर्वेइंग द प्लॉटिंग ऑफ इन एक्सेसिबल पॉइंट कैन बी कन्वीनियंटली डन बाय, ऑप्शन ए मेथड ऑफ डिसेक्शन, बी है मेथड ऑफ रेडिएशन, सी है मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग, डी है मेथड ऑफ इंटरसेक्शन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेथड ऑफ इंटरसेक्शन। प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो इन एक्सेसिबल पॉइंट का प्लॉटिंग किया जाता है वह मेथड ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेदन विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है कंटूर सरफेस, बी है कंटूर ग्रेडियंट, सी है कंटूर लाइन, डी है ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंटूर लाइन। कंटूर लाइन जो होता है यह इक्वल एलिवेशन को जोड़ने वाले लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल इज 30 डिग्री, कोफिशियंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर विल बी, ऑप्शन ए है 1/2, बी है 1/3, सी है 1/4, डी है 2/3। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/3। एक्टिव अर्थ प्रेशर का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन 30 डिग्री बाय 1 प्लस साइन 30 डिग्री। इसको सॉल्व करने के बाद जो है यह 1/3 आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 1/3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई फॉर कोहेसिव सॉइल इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है 0 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री, डी है 15 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। कोहेसिव सॉइल के लिए जो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई जो होता है वह 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, बी है लिक्विड लिमिट माइनस इलास्टिक लिमिट, सी है इलास्टिक लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, डी है इलास्टिक लिमिट माइनस कंसिस्टेंसी लिमिट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है वह लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी इज, ऑप्शन ए है D60 बाय D30, बी है D20 बाय D10, सी है D50 बाय D40, डी है नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी जो होता है वह D60 बाय D10 होता है, जबकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है D60 बाय D10, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज, ऑप्शन ए है 0.1 mm, बी है 0.03 mm, सी है 0.002 mm, डी है 0.0002 mm। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.002 mm। मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल जो होता है वो 0.002 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, इफ साल्ट इज एडेड इन वाटर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विल बी, ऑप्शन ए है इंक्रीज, बी है डिक्रीज, सी है विल नॉट चेंज, डी है नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेज। पानी में नमक घोलने पर पानी का जो सरफेस टेंशन होता है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मेटल्स एंटर
इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लोटिंग बॉडी कौन सा है? द फ्लोटिंग बॉडी विल बी, ऑप्शन ए है इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, बी है इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सी है इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, डी है इन रियल इक्विलिब्रियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फ्लोटिंग बॉडी क्या मेटासेंटर जो होता है वह मेटासेंटर और सीजी कोइंसाइड करता है, तो फ्लोटिंग बॉडी जो होता है वह न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो इन ए पाइप इज लेमिनार इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज, ऑप्शन ए है लेस देन 2000, बी है बिटवीन 2000 एंड 4000, ऑप्शन नंबर सी है बिटवीन 4000 एंड 6000, डी है इक्वल टू 10000। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 2000। पाइप फ्लो में जो होता है लेमिनार के लिए रेनॉल्ड नंबर जो होता है वह लेस देन 2000 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वेरियस फ्लूड पार्टिकल मूव इन जिगजैग पाथ फ्लो इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए है लेमिनार फ्लो, बी है टर्बुलेंट फ्लो, सी है यूनिफॉर्म फ्लो, डी है नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टर्बुलेंट फ्लो। जब फ्लूड का मोशन जो होता है वह जिगजैग यानी टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उस फ्लो को जो है टर्बुलेंट फ्लो यानी कि विक्षुब्ध प्रभाव बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ अपर पार्ट ऑफ किलोमीटर स्टोन ऑन रोड साइड इन केस ऑफ स्टेट हाईवे इज, ऑप्शन ए है ग्रीन, बी है येलो, सी है ब्राउन, डी है रेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन। महामार्ग के किनारे लगे हुए किलोमीटर दर्शाने वाले पत्थर का ऊपरी भाग जो रहता है वह हरा रंग का रंगाई क्या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विड्थ ऑफ ब्रॉड गॉज इज, ऑप्शन ए है 1.576 मीटर, बी है 1.676 मीटर, सी है 1.776 मीटर, डी है 1.67 मीटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.676 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ रोलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड रोड कांग्रेस इज, ऑप्शन ए है 1 in 10, बी है 1 in 15, सी है 1 in 20, डी है 1 in 30। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 in 30, यानी कि 30 में एक। भारतीय सड़क कांग्रेस इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार जो होता है प्लेन रीजन में रोलिंग ग्रेडियंट जो होता है वह 1 in 30 लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, द मैक्सिमम अलाउेबल सुपर एलिवेशन इज, ऑप्शन ए है 1 in 12, बी है 1 in 18, सी है 1 in 15, डी है 1 in 30। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 in 15। 15 में एक लिया जाता है मैक्सिमम अलाउेबल सुपर एलिवेशन, परंतु हिली एरिया जहाँ पे बर्फ ना हो वहाँ के लिए जो है मैक्सिमम अलाउेबल सुपर एलिवेशन जो है वह लगभग 10% यानी कि 1 in 10 लिया जाता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब जब इस चैनल पर इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।